हाय गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? मुझे फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो कि मैं दिख रही हूँ, आवाज़ सही आ रही है, जल्दी से बता दो फटाफट. ओके, सो हाय एवरीवन. और आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और वन शॉट सेशन रहेगा आज का. एक ही साथ पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे. जो भी चीज़ें समझने वाली हैं वो सारा कुछ समझा दूंगी, और इतने अच्छे से हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे कि आपको सब कुछ आज याद हो जाएगा, फॉर श्योर याद हो जाएगा. बस मेरे साथ साथ पूरे फोकस के साथ आपको यहाँ पर रहना है, और पूरा जो जो चीज़ें मैं बोलूँ ट्राई करो कि आप उसी टाइम सब कुछ याद करो, और बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ सब कुछ अच्छे से ढंग से आज हम कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर. ओके, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी एक बार रीड करोगे जाके. हालांकि मैं पूरी एनसीईआरटी आज आपको कवर करवा दूंगी. पीवाईक्यूज़ एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो मैं पीवाईक्यूज़ भी सैटरडे संडे आपको करवा दूंगी. ठीक है, तो प्लीज़ बी फोकस्ड और रेगुलर रहिए प्लीज़ इन क्लासेस के लिए. मैं वन शॉट सेशंस आपके हर हफ्ते लेती रहूँगी इसी तरह, और कल हम लोग कॉकरोच करेंगे ठीक इसी टाइम 10 बजे रात को. ठीक है, और अनअकैडमी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं. अभी एक ऑफर चल रहा है कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिलता है, एंड 24 मंथ्स पे प्लस 4 मंथ्स आपको और मिल रहा है. तो आप लोग ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बहुत अच्छा टाइम है. 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आपको पर मंथ 3,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली पढ़ रहा है. 24 मंथ्स में आपको और भी कम पढ़ रहा है, और आपको सारे सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे, प्रॉपर कोर्स आपको मिलेगा. आप मेरा कोड इशिता अप्लाई कर सकते हो, उस पर आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हो. अनअकैडमी कॉम्बैट हर हफ्ते होता है. अगर आपको लगता है आप डिजर्विंग हो तो आप ज़रूर ज़रूर ये टेस्ट दो. फ्री टेस्ट है, कुछ जा नहीं रहा पैसा, कहीं रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा नहीं जाएगा. फ्री टेस्ट दे सकते हो. शुरू जो फर्स्ट 3 बच्चे होंगे उनको फ्री में पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल का. 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकी को फिर 50%, फिर 25%. यहाँ पे भी आप मेरा कोड इशिता यूज़ कर सकते हो अनलॉक करने के लिए. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. एनसीईआरटी अब अपनी साथ में लेके बैठना. अगर कुछ लग रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रही हूँ, कुछ नई चीज़ बता रही हूँ, तो वो अपनी एनसीईआरटी में नोट करते हुए चलना. तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोब्स को हम बहुत ज़्यादा ना मतलब डिग्रेड सा कर देते हैं. बोलते हैं अरे माइक्रोब है, पैथोजन है, तो इससे तो मुझे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा. पर ऐसा नहीं होता है. माइक्रोब्स से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइक्रोब्स बहुत काम आए हैं, और हमने अलग अलग एरियाज़ में देखा है कि माइक्रोब्स ने हमारी बहुत हेल्प की है. माइक्रोब्स से हमें बहुत चीज़ मिली भी है. अगर माइक्रोब्स ने हमें इन्फेक्ट किया है, हमें ख़राब किया है, तो माइक्रोब्स का अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो उससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ है. तो अब माइक्रोब्स की बात करते हैं कि माइक्रोब्स तो हर जगह है. ठीक है, तुम जहाँ रहते हो, जहाँ पे तुम अभी हो, तुम्हारे आसपास कितने सारे माइक्रोब्स होंगे. ठीक है, तुम मिट्टी में देख लो, पानी में देख लो, हवा में देख लो, अपनी बॉडी के अंदर देख लो, वहाँ भी माइक्रोब्स हैं. तो हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट है, सबको ये बात पता है. और माइक्रोब्स ना ऐसी ऐसी जगह पर भी हैं जहाँ कोई और नहीं हो सकता. जैसे हमने एक बात की थी, अगर तुम्हें याद हो, बायोटेक्नोलॉजी में टाक पॉलीमरेज की, जहाँ पे हमने बात की थी थर्मस अक्वेटिकस की, जो थर्मल वेंट्स में था, तो वहाँ पे भी माइक्रोब प्रेजेंट है. इसीलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कभी कभी थर्मल वेंट्स जो होते हैं, जो नेचुरली आप बोलते हो, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गया, नेचुरली जो बहुत गर्म जगहें हैं वहाँ पे भी ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर है वहाँ पे भी ये माइक्रोब्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो बहुत स्नो में भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, हर जगह हैं. और माइक्रोब्स में क्या क्या आते हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट, वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स भी आते हैं. तो कभी क्वेश्चन आए तुम्हें यहीं पे वो पकड़ लेगा, यहीं पे घुमा देगा कि क्या क्या आता है माइक्रोब्स में, तो वो तुम्हें स्टेटमेंट देगा प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस. यहाँ तक तो तुम्हें कहोगे हाँ सही है. फिर तुम वायरॉइड्स, प्रियॉन्स पे आके कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार ये था माइक्रोब में या नहीं था. तो ये कन्फ्यूजन मत करना, जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, माइक्रोब्स में आते हैं. अब बहुत सारे माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई को हम ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया में. यानी कि जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी फंगस है, तो हमें पता है कि वो क्या उसके लिए सूटेबल मीडियम है ग्रो करने का. तो हम क्या करते हैं, हम लेबोरेटरी में, जैसे अब अभी अगर आप MBBS जब आप करोगे तो उसके अंदर हम, जैसे मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो एक सब्जेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी. तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसे कल्चर मीडियाज पे, हम ऐसे जो ग्रोथ हुई हुई होती है बैक्टीरिया वगैरह, उनकी स्टडी करते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं कि बैक्टीरिया और फंजाई को ऐसे मीडियम पे ग्रो करवा देते हैं, और फिर उनको स्टडी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये हम न्यूट्रिटिव मीडियाज़ में उनकी कॉलोनीज़ को ग्रो करवा सकते हैं, और नेकेड आइज़ के साथ ऐसे भी हम उनको देख सकते हैं. ठीक है, चलो अब बात आती है भाई कि माइक्रोब्स का हमारे घर में क्या यूज़ है.
हमारे घर में क्या फ़ायदा है माइक्रोब्स का, ठीक है। तो माइक्रोब्स से तुम सबसे अच्छा एग्जांपल जो तुम देखो, आज का सेशन बहुत इंटरैक्टिव होने वाला है और आज के सेशन में ना हम लोग मतलब सब कुछ याद भी कर लेंगे और सब कॉमन सेंस वाली चीज़ें सब हम रिलेट करेंगे, ठीक है। तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो देखो जैसे हम नॉर्मल सी एक बात करें कि हम रात को क्या करते हैं, रात को हम दूध के अंदर थोड़ी सी जो हम बोलते हैं जिसको खट्टा बोलते हैं या फिर थोड़ी सी दही जो होती है वो हम रखते हैं और उसके अंदर वो डाल देते हैं, ठीक है। और सुबह जब हम उठते हैं तो हमें दही मिलती है, तो ये भी एक माइक्रोब्स का ही फंक्शन है। ये भी किसकी वजह से हो रहा है? माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है। अब इसके पीछे की साइंस हम जानेंगे, इसके पीछे की हम साइंस जानेंगे। एक सेकेंड यार, तो इसके पीछे की साइंस क्या होती है? तो एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया बोल लो लैक्टोबैसिलस, और कुछ और बैक्टीरिया जिनका नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क के अंदर ग्रो करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो बैक्टीरिया का क्या नाम है भाई? लैक्टोबैसिलस, या फिर आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, लैब भी बोल सकते हो। तो ये क्या करते हैं, मिल्क में ग्रो करके उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब जो रात को आपकी मम्मी ज़रूर बनाती होंगी कि आप जब दही जमाते हो तो रात को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही का कुछ एक चम्मच या दो चम्मच दूध में डाल देते हैं। तो वो जो एक चम्मच या दो चम्मच दही होती है ना जो हम डालते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम या फिर स्टार्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम या फिर स्टार्टर। क्या बोलते हैं, कोई डाउट है तो पूछते रहना, ठीक है। इनोक्यूलम या फिर हम स्टार्टर्स बोलते हैं उसको। और वो क्या करता है, ये जो मिल्क है उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो ऐसा नहीं होगा ना कि मैंने मिल्क रख दिया और उसकी अपने आप दही बन जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके अंदर थोड़ा सा डालती हूँ ताकि वो फटाफट से मल्टीप्लाई कर जाए सुबह तक और मुझे दही मिल जाए, ठीक है। तो मैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टार्टर डालती हूँ उसके अंदर। और सूटेबल टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम देखते हैं कि हमारी दही नहीं जम पा रही है, तो एक सूटेबल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो कर्ड है इसका क्या फीचर है? अब तुमने बहुत बार सुना होगा कि जो कर्ड है बोलते हैं कि ज़रूर खानी चाहिए, रोज़ खानी चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्दी होती है कर्ड। दूध से ज़्यादा बोलते हैं कर्ड ज़्यादा हेल्दी होती है। तो कर्ड क्यों ज़्यादा हेल्दी होती है? क्योंकि जब लैब बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस की हम बात करें, जब वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है ना, तो साथ साथ उसकी न्यूट्रिशनल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है, और उसके अंदर विटामिन B12 भी बढ़ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कर्ड के अंदर मिल्क से ज़्यादा एक फीचर क्या है कि उसके अंदर विटामिन B12 कंटेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और हमारे पेट में भी जो लैब है, देखो आप दही खा रहे हो तो बैक्टीरिया भी तो उसके साथ जाएगा ना, और दैट इज़ नॉट बैड बैक्टीरिया। वो ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो आपको हार्म कर रहा है, वो आपके लिए अच्छा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया है जब आपके पेट में भी जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा होता है जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको चेक में रखने के लिए। यानी कि जैसे आपको मान लो कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर कोई एक और बैक्टीरिया आएगा जो आपको इन्फेक्ट कर रहा है, जो आपको बीमारी करवा रहा है, लेकिन ये जो लैब बैक्टीरिया है, जो दही वाला बैक्टीरिया है कर्ड में जो है, ये आपको उनसे भी बचाएगा, उनको भी चेक में रखेगा, ठीक है, उनको भी चेक में रखेगा, ठीक है। समझ में आया सबको? इतना बहुत ही कॉमन सेंस वाला जनरल आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बड़ा प्यारा सा एक डायग्राम मैंने बनाया है। क्या करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, सीजेन को, सीजेन एक मिल्क प्रोटीन है, उसको पैरा सीजनेट में कन्वर्ट कर देता है। आपको नहीं याद रखना तो आप नहीं भी रख सकते हो, दिस इज़ सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप ध्यान रख सकते हो। और बैक्टीरिया का अभी किसी बच्चे ने नाम पूछा था कि और बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो दैट इज़ लैक्टोबैसिलस लैक्टिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। दोनों ही ये बैक्टीरियाज जो होते हैं ये क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, ये एसिड्स प्रोड्यूस करता है जो कोएगुलेट्स एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। ये क्या करता है, दूध को कोएगुलेट करता है, तभी तो कर्ड बनती है, और कुछ मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे हमने बात की, वो मिल्क प्रोटीन क्या है, सीजेन, जिसको वो पैरा सीजनेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का थोड़ा हम एक्स्ट्रा भी चलेगा इसीलिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मेंशन किया हुआ था कि मिल्क प्रोटीन कौन सा है, तो मिल्क प्रोटीन आपका ये होता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? प्लांट फिजियो भी पढ़ा देंगे, अभी आप माइक्रोब्स पे पूरा ध्यान दोगे, ठीक है। माइक्रोब्स आपका अच्छे से हो जाना चाहिए आज, चलो। और ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा फ्री के मार्क्स होते हैं इनमें, कि बहुत सिंपल चैप्टर है, क्वेश्चन हर साल आना ही आना है, डेफिनेट है कि क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। और आज समझ लो आपके 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 लगभग 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आज की क्लास से आपके 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये मान के चलना, ठीक है।
अब बात करते हैं कि भाई माइक्रोब का और कौन सा रोल है। अब आप देखते हो कि हम कुछ छोले भटूरे बनने हैं, चलो आज मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं, तो जब भटूरे बनाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, वो जो भटूरे का मटेरियल होता है, जो आटा होता है, उसको क्या करते हैं, रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है, वो थोड़ा पफ्ड अप हो जाता है और फिर हम उससे भटूरे बनाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, इन सब के अंदर जो डो होती है, जो मतलब जिस मटेरियल से हम बना रहे होते हैं, वो फर्मेंट की जाती है बैक्टीरिया से। और वो बैक्टीरिया कहाँ से आया, अब ये सवाल हो सकता है कि वो बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं, तो वो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हर जगह प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है उसकी, और उसकी वजह से वो पफ्ड अप अपीयरेंस आती है। अब पफ्ड अप अपीयरेंस भी क्यों आती है, तो अगर हम बात करें, जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, कभी भी जब बेकरी की किसी शॉप में देखना कि जब ब्रेड बनाते हैं तो क्या होता है कि आटे को ऐसे रख देते हैं, थोड़ी देर बाद वो आटा बहुत बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, तो उसका क्या कारण होता है कि उसके अंदर से क्या निकलता है, फर्मेंटेशन की वजह से इथाइल अल्कोहल और CO2 निकलता है, और ये जो CO2 है इसकी वजह से वो पफ्ड अप अपीयरेंस आती है, या फिर आप कह सकते हो ये CO2 इथाइल अल्कोहल के साथ मिलके इवेपोरेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेड में ये पफ्ड अप अपीयरेंस दिखती है। हमें क्या दिखती है, पफ्ड अप अपीयरेंस। और सॉफ्ट एंड पोरस कौन बनाता है उसको, ब्रेड को सॉफ्ट कैसे बनती है, वो इसी वजह से बनती है। तो यहाँ पे NCERT में देखो क्या लिया है, लिखा है द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। यही आप आंसर करोगे अगर कभी भी पूछा जाए आपसे कि बताओ पफ्ड अप अपीयरेंस जो है वो क्यों आ रही है, ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। तो CO2 गैस क्योंकि उसमें से रिलीज होती है, इसलिए वो फूल जाता है या पफ्ड अप अपीयरेंस उसमें आती है। अब बात आती है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मुझे ब्रेड बनानी है तो कौन सा मैं माइक्रोब यूज़ करूँगी, क्या यूज़ करूँगी। तो ब्रेड को फर्मेंट करने के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, बेकर्स यीस्ट यूज़ करती हूँ, जिसका नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सर्विसरी। ये क्या है, सैकेरोमाइसिस सर्विसरी, ये एक यीस्ट है, ये क्या है, यीस्ट है। ये आपने हमेशा सुना होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ भी रहे होगे कि हम ब्रेड को बाहर रख देते हैं, या फिर जो मटेरियल जिससे ब्रेड बनाने वाले हैं उसको बाहर रख देते हैं ताकि वो फर्मेंट हो जाए। साथ ही अभी तक हमने ब्रेड के बारे में बहुत जाना है, हमने बेकरी के बारे में बहुत जाना है, डोसा इडली छोले भटूरे के बारे में हमें पता है, लेकिन साथ ही साथ ड्रिंक्स में भी फर्मेंटेशन यूज़ होती है। ये ड्रिंक्स को भी बनाने के लिए फर्मेंटेशन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है सदर्न इंडिया की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसका नाम क्या है, टॉडी है, और वो किसको फर्मेंट करने से आती है, सैप फ्रॉम पाम्स। ये एक बहुत ही प्रॉबेबल क्वेश्चन है, ये आ सकता है नीट में, ठीक है। तो टॉडी क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो फर्मेंटेशन से हमें मिलती है। और माइक्रोब्स और भी कुछ चीज़ों को फर्मेंट करने के लिए काम आते हैं, जैसे फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, और बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। ये आपको चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी है, और बड़ी कॉमन सेंस वाली चीज़ें। देखो दही वाला एग्जांपल तो बहुत ईजी है, उसके बाद अपने खुद से सोचो कि हमारे एनवायरनमेंट में हम कहाँ का माइक्रोब्स को देख रहे हैं, कहाँ का उनका यूज़ है। तो डोसा इडली छोले भटूरे, फिर उसके बाद एक चीज़ हमने क्या याद की कि हम ड्रिंक्स में भी देखते हैं, और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ड्रिंक क्या है, टॉडी है। और साथ में जो बेकर्स यीस्ट होती है वो किसको बोलते हैं, सैकेरोमाइसिस सर्विसी। फटाफट से चैट बॉक्स में 3-4 पॉइंट ये सारे के सारे लिख दो, एक एक वर्ड में लिख दो ताकि तुम्हें रिमाइंड हो जाए, तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं देखो चीज़ के बारे में। अब चीज़ में ना एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीज़ में एक क्वेश्चन आता है कि चीज़ जो है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, उसका टेस्ट, क्योंकि अलग अलग तरीके के, देखो यहाँ पे हम एक ही चीज़ वो पिज़्ज़ा वाला देखते हैं, बट चीज़ बहुत अलग अलग तरीके के भी होते हैं। तो चीज़ में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, उसका टेस्ट कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, और उसका टेक्सचर कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है। तो तीन तरीके से हम चीज़ के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं अलग अलग वेराइटीज़ में। क्या चीज़ें देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं कि हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है टच करने में, फील करने में, फ्लेवर कैसा है उसका, और टेस्ट उसका। हालांकि फ्लेवर और टेस्ट सिमिलर ही है, बट हाँ टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रोब यूज़ किए गए हैं कौन सा चीज़ बनाने के लिए। जैसे कि जो स्विस चीज़ होता है, स्विस चीज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं। तो आपको बताया था कि अभी हमने पफ्ड अप अपीयरेंस देखा, वो किसकी वजह से आया था, CO2 की वजह से। लेकिन स्विस चीज़ में जो बड़े बड़े छेद होते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 उसमें से निकलता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 निकलता है। और कौन सा बैक्टीरियम यूज़ होता है, प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। फर्मेंटेशन से प्रिजर्व नहीं होता है, फर्मेंटेशन से एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ फर्मेंट हो रही है तो वो ख़राब ही हो रही है, ऐसा नहीं होता। फर्मेंट हो रहा है तो उसकी वजह से हमें टेस्ट आ रहा है, उसकी वजह से हमें वो फ्लेवर मिल रहा है। जैसे कि अब स्विस चीज़ की बात करें तो स्विस चीज़ में क्या होता है, बनता कैसे है वो चीज़, उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है। कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी काम करता है। और स्विस चीज़ जो है उसमें बड़े बड़े छेद क्यों है, इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 उसमें से रिलीज होती है।
सिमिलरली रॉकीफोर्ट चीज़ जो होता है वो स्पेसिफिक फंगस उसके ऊपर ग्रो करती है तब बनता है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रॉकीफोर्ट चीज़ जो है वो किससे बन रहा है, फंगस से बन रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. तो बैक्टीरिया से कौन सा बन रहा है, स्विस चीज़, और रॉकीफोर्ट चीज़ जो है वो फंगस उसके ऊपर ग्रो करती है तब बनता है और फिर पर्टिकुलर फ्लेवर आता है. ऐसा नहीं है कि फंगस किसी चीज़ पे लग गई तो वो चीज़ ख़राब ही हो गई. अब ये सोचो चीज़ बन रहा है उसके ऊपर फंगस ग्रो कर रही है तब वो चीज़ बन रहा है और आपको वो टेस्ट आ रहा है, जो टेस्टी आप खाते हो चीज़ वो आपको तब आ रहा है उस पर फंगस ग्रो कर रही है. समझ में आई बात. तो माइक्रोब्स को हम बहुत ही ऐसे ही बोलते हैं कि बड़े बेकार है माइक्रोब्स, किसी काम के नहीं है, पर माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में हमारे काम भी आते हैं. उसके बाद बात करते हैं कि अभी तक हमने खाने में बात की, अभी तक हमने हाउस होल्ड चीज़ों में बात की, कर्ड में बात की, चीज़ में बात की. अब हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में क्या रोल है, और यहाँ पे आपको बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि मुझे पता है आप लोग बड़ा ज़्यादा मज़े लेके इस बात को सुनोगे कि जो बेवरेजेज़ हैं, जो अल्कोहल है, एंटीबायोटिक्स है, वो भी हम किससे बनाते हैं, माइक्रोब से. और देखो उसको ऐसा नहीं है ना कि एक ग्लास में डाल दिया माइक्रोब, उसी में बन गया हमारी अल्कोहल बन गया, उसमें मेरी विस्की बन गया, ऐसे नहीं होता. हमें बहुत बड़े बड़े मशीन्स चाहिए क्योंकि हम इंडस्ट्री के लेवल पे हम माइक्रोब्स को यूज़ करके प्रोडक्ट बना दें, ठीक है. तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, उसको बोलती हूँ मैं फर्मेंटर. उसको क्या बोलती हूँ, फर्मेंटर बोलती हूँ. अब बात आती है फर्मेंटेड बेवरेजेस. फर्मेंटेड बेवरेजेस में क्या है, तो ये सब जानते होंगे भाई, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, इन सब के बारे में आप लोग जानते ही होंगे. और ये किससे बनते हैं, ये भी यीस्ट के फर्मेंटेशन से बनते हैं. और कौन सा यीस्ट है, सैकेरोमाइसिस सर्विस्ट्री. अब याद करो कि सैकेरोमाइसिस सर्विस्ट्री को मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ब्रूअर्स यीस्ट, या फिर मैंने बोला था बेकर्स यीस्ट बोला था सैकेरोमाइसिस सर्विस्ट्री को. वही यीस्ट यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, वही यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है. और क्या करते हैं हम, देखो हर जो अल्कोहल बनता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे वाइन, बियर, विस्की, डिपेंड करती है कि हम किस चीज़ की फर्मेंटेशन करवाते हैं. तभी तो हमें हर चीज़ में अलग अलग, जैसे वाइन बहुत तरीके की है, तो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ का फर्मेंटेशन कराया, उसकी वजह से अलग तरीके की वाइन बनती है. तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि फर्मेंट किस किस को कर रहे हैं, माल्टेड सीरियल्स को कर रहे हैं, फ्रूट जूसेस को कर रहे हैं, और उससे हमारा इथेनॉल बन रहा है. तो हम जो फर्मेंटेशन कर रहे हैं उसके अंदर हम यीस्ट डालते हैं. ये कौन सी यीस्ट होती है, सैकेरोमाइसिस सर्विस्ट्री डालते हैं. और किस किस के अंदर करते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, जैसे तुम देखोगे, तुमने मूवीज़ वगैरह में भी सुना होगा कि जैसे गेहूं को या इसको बहुत ज़्यादा फर्मेंट करते हैं फिर बनता है, या किसी फ्रूट जूस को या फिर ग्रेप्स को, इन सब चीज़ों से हमें अल्कोहल मिलता है, इथेनॉल मिलता है इसको, और इसी से हम ये वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम बनाते हैं. अब देखो मैक्सिमम जो इथेनॉलिक कंटेंट होता है ना फर्मेंटेशन से, वो 13% होता है, 13% ही होता है, उसके बाद वो जहरीला हो जाता है. तो मैक्सिमम जो कंटेंट है वो 13% का होता है. ये एनसीईआरटी में डेटा भी दिया हुआ है, आई थिंक रेस्पिरेशन प्लांट्स वाले चैप्टर में तुम्हें दिया हुआ है. लेकिन अब बात ये आती है कि भाई 13% में तो मेरा काम चलेगा नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट चाहिए आपने भाई, मुझे इतने से तो मेरे नहीं हो पाएगा काम, तो मुझे तो ज़्यादा कंटेंट चाहिए. तो हम यहाँ पे एक तरीका यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन से क्या होता है, मैं इस कंटेंट को और ज़्यादा बढ़ा पाती हूँ, ठीक है, डिस्टिलेशन से. तो जैसे वाइन हो गई, बियर हो गई, ये बिना डिस्टिलेशन के बनती हैं, तो इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट कम होता है. लेकिन विस्की, ब्रांडी, रम जो होते हैं ये डिस्टिलेशन से बनते हैं, ये फर्मेंट जब हो जाता है उसके बाद उसको डिस्टिलेशन भी कर देते हैं, तो इसके अंदर जो अल्कोहल कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है. तो हमने क्या किया, हम बहुत तेज़ है ना, क्योंकि 13% में तो अपना काम चलता नहीं है, तो हमने इसी को और फर्दर डिस्टिलेशन इसकी कर दी. और डिस्टिलेशन के बाद मुझे अलग अलग, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, जिसके अंदर अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है, ये मुझे मिल पाया. जबकि जो वाइन और बियर हैं बेचारे, वो इतने में ही अपना काम चला लेते हैं, वो डिस्टिलेशन के बिना ही मिल जाते हैं, ठीक है जी. समझ में आया सबको इतना, ठीक है, चलो इतना सबको इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है. अब बात आती है भाई एंटीबायोटिक्स. तो पहले नाम से समझ लेते हैं एंटीबायोटिक्स क्या मतलब है. एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का क्या मतलब है, लाइफ. तो ऐसी दवाइयाँ, ऐसी चीज़ें जो लाइफ के अगेंस्ट हैं, लाइफ किसी को मारना चाहती हैं, लेकिन ये किसको मारना चाहती है, पैथोजन को मारना चाहती है, मुझे नहीं मारेगी, मेरे लिए क्या है, ये प्रो लाइफ है. यही एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है, अगर मेरी बॉडी में कोई पैथोजन है, मैंने एंटीबायोटिक खा ली है, तो वो उस पैथोजन को मारेगी. तो पैथोजन के लिए क्या है, एंटी लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, मेरे लिए क्या हो गई, प्रो लाइफ, क्योंकि मुझे तो बचा रही है पैथोजन से, है ना. तो एंटीबायोटिक इज प्रो लाइफ फॉर मी, वेयर एज इट इज़ अगेंस्ट लाइफ फॉर अ पैथोजन. यही चीज़ यहाँ पे दी गई है. और एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है वो बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज में से एक है. आप ये सोचो एंटीबायोटिक्स बनी थी उसकी वजह से कितनी सारी बीमारियों को हम ट्रीट कर पाए. तो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए, बड़ी जनरल कॉमन सेंस वाली बातें हैं.
ठीक है जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात आती है कि एंटीबायोटिक्स, छोटू सा चैप्टर है, फटाफट खत्म हो जाएगा। कल हम लोग कॉकरोच करेंगे, और कॉकरोच में मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगी कल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉकरोच में जो ऐसे समझ नहीं आती, रट्टा नहीं मार पाते हैं, अच्छे से पढ़ाऊंगी, कॉकरोच बिल्कुल याद भी हो जाएगा सबको, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी थी। अब डिस्कवर किसने किया, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग करके एक साइंटिस्ट थे, वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे जब काम कर रहे थे ना, तो वो कुछ और काम कर रहे थे, पर उन्होंने ना एक प्लेट में देखा, एक मोल्ड देखा, एक प्लेट में देखा कि बैक्टीरिया ना ग्रो ही नहीं कर पा रहा। मेरा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मैंने ग्रो किया हर जगह, कुछ प्लेट्स ली मैंने उनके अंदर ग्रो किया, पर एक ऐसी प्लेट थी जिसपे ग्रो नहीं कर पा रहा था, और उस पर कोई मोल्ड ग्रो कर रही थी, कोई और चीज़ ग्रो कर रही थी, पर मेरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। तो मैंने देखा वो मोल्ड क्या है, ऐसा क्या है जो मेरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रही। उससे मुझे पता चला, वहाँ से मैंने डिस्कवर किया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन उसने वहाँ से, मैंने केमिकल एक बन रहा था उस मोल्ड से जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिसको मैंने नाम दिया पेनिसिलिन, और वो मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटैटम। उस मोल्ड का क्या नाम था, पेनिसिलियम नोटैटम। तो ऐसे मुझे पता चला कि ऐसे भी कुछ केमिकल हो सकते हैं जो बैक्टीरिया को मार पाएं, और वहाँ से डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक्स की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी एक्सीडेंटल था, जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर कर दी एक्सीडेंटली, वैसे इसने भी क्या डिस्कवर कर दिया भाई, एंटीबायोटिक। इसको पता भी नहीं था, पर इसने बस ये ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व ही करना आई थिंक सबसे बड़ा एक वो होता है डिस्कवरी के पीछे, जो चीज़ होती है दैट इज़ ऑब्जर्व करना। क्योंकि हमारे जैसे लोगों के साथ अगर हो, तो हम तो छोड़ के धो धो के अलग कर देंगे उसको, लेकिन कोई भी एक साइंटिस्ट जो होता है वो ऑब्जर्व इतना ज़्यादा किसी चीज़ को करता है कि वो कुछ नया डिस्कवर कर पाते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे, और उन्हें एक धुली हुई जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट दिखी, जिसके अंदर उनका बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा था, वहाँ से उन्होंने मोल्ड निकाली जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटैटम। उसके बाद अभी वो पूरा नहीं बता पाए थे, हालांकि बस वो इतना ही बता पाए थे कि कोई केमिकल है जिससे मेरा बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा। फिर धीरे धीरे उसके बाद रिसर्च हुई उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो अमेरिकन एंटीबायोटिक, ये जो एंटीबायोटिक थी ये फिर अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, वूंड जो वूंडेड अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड वॉर टू में भी यूज़ की गई थी। और इसके ऊपर और ज़्यादा इसके बारे में जाना, इसके बारे में पढ़ा, वो किसने पढ़ा था, अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरेन। और अल्टीमेटली इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को। और ये चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर मी। सिंपली तुमसे ये पूछ लेंगे कि बताओ जो एंटीबायोटिक्स थी वो किसी ने डिस्कवर की थी, वो ठीक है, तो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे। या पहली जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, किसने डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे ने किया था, ठीक है जी। चलो भाई, अब पेनिसिलिन के बाद और भी अलग अलग एंटीबायोटिक्स डिस्कवर होती गई होती गई होती गई, और धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट इतना हुआ कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां थी, जैसे कि प्लेग, वूफिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गाल घोटू एंड लेप्रसी, कुष्ठ रोग। तो अब देखो, एक बार नीट में क्वेश्चन शायद ये भी आया हुआ है कि कुष्ठ रोग किसको बोलते हैं, तो उसमें ऑप्शन थे लेप्रसी, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, तो तुम्हें हिंदी में भी पता होना चाहिए ना, ठीक है। ये देखो लोग ना, तुम्हें नहीं पता एनसीईआरटी का पोटेंशियल क्या, एनसीईआरटी में इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो तुमसे, तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वर्ड। अब उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायो एक्टिव का क्या मतलब है, लिविंग केमिकल्स, और क्योंकि ये लिविंग केमिकल्स हैं, हमें लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं, तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स हमें नहीं दिखते, क्योंकि हम ऐसे केमिकल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो चीज़ें खुद नेचुरली बनाती हैं, तो उससे हमें कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं दिखते हैं। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का, एंजाइम्स का और केमिकल्स का। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, जैसे हम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं, तुम्हारा अल्कोहल, ऑर्गेनिक अल्कोहल तो हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम्स का, तो वो कैसे करते हैं, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो हमें सिट्रिक एसिड देती है, तो ये क्या ये माइक्रोब मेरे लिए खतरनाक है, नहीं है, मेरे को तो इससे चीज़ मिल रही है ना अपने काम की। एसिटोबैक्टर एसिडी क्या दे रही है, एक बैक्टीरिया है, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या फंगस है क्या बैक्टीरिया, अगर तुम्हें इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह पता है तो तुम्हें वैसे ही याद होगा। तो फंगस है एस्परजिलस नाइगर, और ये क्या देती है, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिडी तो तुम्हें नाम से याद हो रहा है, एसिटिक एसिड है। क्लॉस्ट्रीडियम बटिलिकम, ब्यूटिलिकम भी तुम्हें पता चल रहा है यहाँ से वर्ड से, ब्यूटरिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस हमें पता ही है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या है, फंगस क्या है। तो इसके अंदर हमने एक फंगस पढ़ी एस्परजिलस नाइगर, जो कि क्या बनाती है, सिट्रिक एसिड, और एक ही नाम याद करना है, एसिटोबैक्टर एसिडी तुम्हें याद होगा, क्लॉस्ट्रीडियम बटिलिकम तुम्हें याद है क्या है, बैक्टीरिया बटिलिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टिक एसिड, ये तो हमें ऑलरेडी याद है। इसके बाद बात करते हैं भाई यीस्ट की। तो यीस्ट हमने कहाँ पढ़ा, एक तो बेकिंग में, और एक हमने इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी पढ़ा है यीस्ट, ठीक है।
माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ लिया, लेकिन कुछ एंजाइम्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं. जैसे कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर हम लाइपेजेस डालते हैं. लाइपेजेस क्यों डालते हैं, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो ऑयली या फिर ग्रीसी कोई चीज़ हो ना, तो उसको कौन डाइजेस्ट कर पाएगा, लाइपेजेस एंजाइम है, डाइजेस्ट कर लेगा. तो लाइपेजेस हम किसके अंदर डालते हैं, डिटर्जेंट्स के अंदर, ताकि मेरे ऑयली स्टेन सारे या फिर जो डर्टी स्टेन है वो मेरे सारे निकल पाए. सिमिलरली जैसे बॉटल्ड फ्रूट जूस है, जैसे हम जो घर पर जूस निकालते हैं, तुम ऑरेंज का जूस निकालो तो तुम्हें उसमें कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी ना, लेकिन जो बाहर से हम लेके आते हैं ऑरेंज जूस, वो बहुत क्लियर होता है. क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर भी हम एंजाइम डालते हैं, पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस, जो उसको साफ कर देता है एंजाइम को. ठीक है, प्रोटीन्स को क्या कर देता है, बीच बीच में से डाइजेस्ट कर लेता है. तो इसीलिए एंजाइम्स का भी कुछ रोल है, और वो भी हमें माइक्रोब से मिलते हैं. ठीक है, समझ में आई. ओके, यू आर एक्सप्लेनिंग नाइसली, बट प्लीज़ रिड्यूस द स्पीड. ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ. सबको समझ में आ रहा है ना, बड़ा कॉमन सा और लॉजिकल चीज़ है. कुछ याद नहीं करना है, दो चार नाम है बस, ये सारे एक जगह एक पेपर पे लिख लो और अपने एनसीईआरटी के आगे लगा लो या वॉल पे चिपका लो. बस 4, 5, 6, 7 नाम है, वो तुम्हें बस अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी सब कॉमन सेंस की चीज़ है. ठीक है, उसके बाद ना ये पैराग्राफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर तुम मुझे कहो ना पूरा चैप्टर छोड़ दें तो और क्या पढ़ें, तो तुम सिर्फ इतना पढ़ लो, इसमें से बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की. तो हमने ऐसे ही कुछ और केमिकल्स, कुछ और एंजाइम्स भी डिस्कवर किए, उसमें से कुछ थे स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, एक बैक्टीरिया से आता है, स्ट्रेप्टोकोकस से. उसको हम मॉडिफाई करते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसको क्लॉट बस्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ताकि हम ब्लड वेसल्स में से क्लॉट्स जो हैं उनको हटा सकें. ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम क्या यूज़ करते हैं, क्लॉट बस्टर के लिए यूज़ करते हैं. ये लिटरली तुम्हें रटा होना चाहिए, मैं तुम्हें, तुम सो रहे हो और मैं तुम्हें उठा के पूछूँ ना कि बता स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या कराता है, तो भी तुम्हें याद होना चाहिए, इतने अच्छे से याद कर लेना ये चीज़. ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है, क्लॉट बस्टर के लिए यूज़ किया जाता है. और जो पेशेंट्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन यूज़ हो जाता है, जिनको जिनके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखा जाता है, उनके अंदर हम स्ट्रेप्टोकाइनेस को यूज़ करते हैं, ताकि क्लॉट जो है वो क्या हो जाए, क्लॉट बस्ट हो जाए. या फिर तुम बोलते हो जैसे खून पतला करने वाली चीज़ होती है ना, क्लॉट बस्टर होते हैं, क्लॉट सारे हट जाते हैं, जिससे कि जो पेशेंट है उसको आराम मिल सके. ठीक है, अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए. अभी तक हमने स्ट्रेप्टोकाइनेस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे साइक्लोस्पोरिन ए. ये क्या होता है, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है. जैसे कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो ट्रांसप्लांटेशन अगर ऑर्गन की हुई है, तो अब मेरी इम्यूनिटी, अब मेरी जो बॉडी है उसके अंदर इम्यूनिटी है. अगर मैंने किसी और का लिवर अपनी बॉडी में लगा लिया, किसी और की किडनी अपनी बॉडी में लगा ली, तो मेरी जो इम्यूनिटी है वो उसको फौरन समझेगी. ठीक है, मेरी बॉडी उसको फौरन समझेगी, तो वो तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है. इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ेगा, कि तू अभी थोड़े दिन के लिए चुप हो जा मेरे अंदर. अब मेरे पास मान लो मेरी किडनी खराब हो गई, ठीक है, अब मुझे किसी और से किडनी लेके अपनी बॉडी में लगानी है, तो मेरी बॉडी तो कहेगी ना ये मेरी किडनी नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देगी. तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाए थोड़े दिनों के लिए, ताकि मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले किडनी को. ठीक है, ताकि मेरी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट कर ले, तो तब मुझे क्या चाहिए, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट चाहिए, जो मेरी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा. उसका एक एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन ए. उसका क्या एग्जाम्पल है भाई, साइक्लोस्पोरिन ए. ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स में, जिसका काम आता है. और ये कहाँ से मिलता है, फंगस से. ये इंपॉर्टेंट है. देखो, तुम्हें ना कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे मिला है तुम्हें, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से मिला है, जो कि एक बैक्टीरिया है. अब तुमसे बोल सकते हैं साइक्लोस्पोरिन ए बताओ किससे मिलता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वायरॉइड कहाँ से मिला है. तो साइक्लोस्पोरिन ए मुझे एक फंगस से मिला है, ये ध्यान रखना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. उसके बाद तीसरा जो आता है स्टैटिन्स. स्टैटिन्स क्या होते हैं, स्टैटिन्स मिलते हैं यीस्ट से. स्टैटिन्स कहाँ से मिलते हैं, यीस्ट से, मोनोसैकस परप्यूरियस. तुम्हें ये बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए चीज़ें, कि कौन कहाँ से मिलता है. इनफैक्ट ये पैराग्राफ तो मतलब आँख बंद करके रटा होना चाहिए, इतना अच्छे से रटा होना चाहिए. ये स्टैटिन्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स. ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए स्टैटिन्स यूज़ किए जाते हैं. तुम नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिन्स स्टैटिक कर रहा है, कम कर रहा है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. और ये कैसे काम करता है, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है एक एंजाइम को, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम को इनहिबिट कर देता है कॉम्पिटिटिवली. जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है उस एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बॉडी में. समझ में आई बात इतनी. तो अभी तक हमने जो 2-3 पॉइंट इसके अंदर पढ़े हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है. एक तो हमने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात की, फिर हमने बात की इथेनॉल कौन बना रहा है, फिर हमने डिटर्जेंट और जूसेस की बात की, और फिर हमने ये तीन नाम पढ़े, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स. और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. ठीक है,
दीदी प्लीज़ आप जेनेटिक्स यूनिट को 9 डेज में करवा दीजिए, मेरा क्लियर नहीं है। ओके यार, जेनेटिक्स में बिल्कुल कराऊंगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। इन्फार्क्शन का मतलब होता है कि जब आपके डेड हो जाए, डेड हो जाना, ठीक है। तुम पढ़ोगे आगे चल के, जब तुम पढ़ोगे और MBBS में आओगे तो तुम और डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ोगे। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, अब ये एक इंपॉर्टेंट और यूनिट है, एक इंपॉर्टेंट और पार्ट है, और ये मैं तुम्हें बड़े अच्छे से समझाऊंगी, तुम्हें कभी कोई कन्फ्यूजन होएगा ही नहीं इसमें, ये मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझाऊंगी। तो हम जो वेस्ट वाटर की बात करते हैं उसमें मैक्सिमम जो वेस्ट होता है ना वो हमारा सीवेज होता है, ठीक है। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज, और मतलब ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे जो खराब पानी या वेस्ट वाटर आता है उसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा बहुत ज़्यादा परसेंट में होता है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रोब्स, और बहुत सारे ऐसे इनके अंदर हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना मैं सारे पानी को फेंकती जाऊँगी, फिर तो पानी की मुझे कमी होगी ही होगी, तो मुझे इस खराब पानी को, इस सीवेज वाटर को भी मुझे रीयूज़ करना पड़ेगा। तो उसको हम कहाँ रीयूज़ करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जो अलग अलग जगह पे होते हैं, और उसको क्या करते हैं मतलब ट्रीट करते हैं और फिर उसको नदियों में बहाते हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम सीवेज वाटर को डायरेक्टली रिवर्स में डालेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी रिवर पॉल्यूशन बहुत, वाटर पॉल्यूशन बहुत हो जाएगा। तो मुझे पहले सीवेज वाटर को ट्रीट करना है ताकि मैं उसको वापस से रिवर में रीयूज़ करके डाल पाऊँ और वो पैथोजेनिक भी कम से कम हो, कम से कम मुझे हार्म दे, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से मैं तुम्हें अब ये समझाने वाली हूँ। और कौन करता है ये, जो माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, ठीक है। अब बात करते हैं, दो ट्रीटमेंट होते हैं, पहले तो ये बहुत दिमाग में क्लियर कर लेना, दो ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट? प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो मेरा सीवेज वाटर आया, तो सीवेज वाटर को मैंने बड़े बड़े टैंक्स में डाल दिया, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनते जाओ। मैंने बड़े बड़े टैंक्स में डाल दिया, तो कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो नीचे सेटल कर जाएंगे, बड़े बड़े, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो ऊपर तैर रहे होंगे, मुझे दोनों को ही हटाना है, मुझे दोनों को ही हटाना है। तो ऊपर वाले पार्टिकल्स को मैं हटा दूंगी, ऊपर से ले जाऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या दिया है। फिजिकल रिमूवल, फिजिकल रिमूवल मतलब मैं निकाल रही हूँ चीज़ों को, तो फिजिकल रिमूवल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है, सेटल कर जाना। फिल्ट्रेशन का क्या मतलब, मैंने ऊपर ऊपर से छान लिया, निकाल लिया। तो ऊपर क्या है, फ्लोटिंग डेब्रिस, फ्लोट कर रही हुई चीज़ें, उनको मैंने बाहर निकाल लिया। और ग्रिट सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, छोटे छोटे पत्थर हैं या कोई मिट्टी है वो नीचे सारी सेटल हो गई, उनको हम रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन से, उनको हम रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन से। अब बहुत ध्यान से ये बात समझना कि जो चीज़ें सेटल हो गई, जो चीज़ें सेटल हो गई उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। जो चीज़ें सेटल हो गई उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। और देखो इनको मैंने हटा लिया, छान लिया इसको, तो मैंने इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। अब मेरा क्या बचा, मेरा इतना पोर्शन बचा है, मेरा क्या बचा, इतना पोर्शन बच गया, ठीक है, इतना पोर्शन मेरा बच गया। अब मैं क्या करूँगी, प्राइमरी स्लज मेरा बन गया, तो बाकी बचा हुआ जितना भी सुपरनेटेंट है, जितना भी सुपरनेटेंट यानी कि ये वाला सारा पोर्शन मैं अगले टैंक में ट्रांसफ़र कर, बहुत ध्यान से ये बात समझना। सुपरनेटेंट का क्या मतलब है, स्लज का क्या मतलब है। पहले मैंने क्या किया, मैंने बड़े टैंक में डाला, ऊपर से जो चीज़ें तैर रही थी वो मैंने बाहर निकाल ली, जो मोटी और हैवी चीज़ें हैं वो नीचे सेटल कर गई, ठीक है। सेटल करने वाली चीज़ें, जो सॉलिड चीज़ें सेटल कर गई, उनको मैंने क्या बोला, प्राइमरी स्लज। बचा हुआ जो पानी है बचा, उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने डाल दिया दूसरे टैंक में, ठीक है। और ये जो बचा हुआ पानी था इसको मैं नाम देती हूँ एफ्लुएंट, इसको नाम देती हूँ एफ्लुएंट। तो मैंने एफ्लुएंट को प्राइमरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल दिया। ये बात ध्यान रखना कि मैं क्या कर रही हूँ, प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो प्राइमरी में सिर्फ एक स्टेप था, प्राइमरी में सिर्फ एक स्टेप था, ठीक है, समझ में आई सबको बात। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी की। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी ट्रीटमेंट का नाम कर लिया हमने, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि अभी तुम पढ़ोगे हम इसके अंदर बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी एफ्लुएंट को हम बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में डाल देते हैं, बड़े बड़े एरेशन टैंक्स, जैसे ये देखो ये रहा, बड़े बड़े एरेशन टैंक्स के अंदर हम इनको डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर हवा डालते हैं, एयर डालते हैं, और उसको एजिटेट करते हैं, उसको मिक्स करते हैं और उसके अंदर हवा डालते हैं बहुत सारी। एरेशन टैंक में मतलब है हम बाहर से हवा डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, अच्छे अमाउंट में उसके पास एयर है। उसके साथ में क्या करती हूँ, एरोबिक माइक्रोब्स डालती हूँ, क्या डालती हूँ, एरोबिक माइक्रोब्स, सॉरी डालती नहीं हूँ, दिस अलाउज द विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स।
अब देखो होता क्या है कि मैं बड़े से एरेशन टैंक में, जिसको मैं बार बार मिक्स कर रही हूँ, उसके अंदर हवा बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में है, तो उसके अंदर जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं. और कैसे करते हैं? इनटू फ्लॉक्स मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर्स. तो फ्लॉक्स क्या होते हैं, ये सवाल बहुत बार आया हुआ है कि फ्लॉक्स क्या है. तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये फंगल फिलामेंट्स का सहारा लेते हैं, मेश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके साथ साथ ग्रो करते जाते हैं, उनके साथ साथ ग्रो करते जाते हैं. तो मेरे, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड. हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फ्लॉक्स होते हैं, ऐसे मेशेज होते हैं फंगस के, जिसके अंदर छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करने लग गए. ऑब्वियसली बात है, मैं उसको घुमा रही हूँ बार बार, एजिटेट कर रही हूँ, और साथ में मैं क्या कर रही हूँ, साथ में मैं बहुत ज़्यादा हवा भी पंप कर रही हूँ उसको, तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करने लग जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे. बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इसके अंदर, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि देखो, बैक्टीरिया के लिए खाना क्या है, ऑर्गेनिक मटीरियल, वो उसको मिल रहा है वहाँ पे, और उसको हवा भी मिल रही है, तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे. अब देखो, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे, वो क्या यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक मटीरियल. वो क्या यूज़ करेंगे ऑक्सीजन यूज़ करेंगे. समझ में आई बात, एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन यूज़ करेंगे. अब क्या होता है कि मेरा जितना ऑर्गेनिक मटेरियल, मान लो मेरे पास एक ग्लास है जिसके अंदर बहुत सारा ऐसा मैंने पानी डाल दिया जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो एक टर्म आती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसका क्या मतलब है कि मुझे इसको प्योरीफाई करने के लिए, या मेरे बैक्टीरिया को इसमें ग्रो करने के लिए कितनी ऑक्सीजन और चाहिए, या फिर इनडायरेक्टली आप ये बोल दो, जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड मेरा है उतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी है. मतलब कि उसको तोड़ने के लिए, उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए मेरे बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए. अब मान लो मेरा एक मेरे पास ऐसे एक ग्लास है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, दूसरा मेरा ग्लास है जिसके पास कम ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैंने दोनों में बैक्टीरिया डाल दिए. अब देखो, बैक्टीरिया को क्या तोड़ना है, उसको क्या खाना है, उसका ऑर्गेनिक मटेरियल. तो बैक्टीरिया अगर यहाँ पे हैं तो उसके पास तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है तोड़ने के लिए, उसके लिए उसे क्या चाहिए, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना. अब यहाँ पे तो ऑर्गेनिक मटेरियल ही नहीं है, तो बैक्टीरिया अगर होगा भी तो उसको ऑक्सीजन इतनी चाहिए ही नहीं. जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको तोड़ने के लिए उसे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन चाहिए. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ए की ज़्यादा होगी या बी की ज़्यादा होगी, ये आपको मुझे बताना है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ए की ज़्यादा होगी या बी की ज़्यादा होगी, बताओ, जल्दी बताओ. ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबका, फटाफट बताओ. चलो, ए की ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, मेरे बैक्टीरिया को उस ऑर्गेनिक मटेरियल को खाने के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए. तो अगर बीओडी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉल्यूटेड ज़्यादा है वो चीज़, ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें ज़्यादा है, यही होगा इसका मतलब, है ना. तो यही बात हमें समझनी है. अब होगा क्या कि धीरे धीरे ये जो बैक्टीरिया थे मेरे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पहले पार्ट में, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पहला पार्ट है, ध्यान रखना. यहाँ पे जब बैक्टीरिया धीरे धीरे मेरे ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएंगे, धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो क्या होगा, इस पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या होगी, कम होती जाएगी. फटाफट बताओ आंसर, कम होती जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? कम होती जाएगी, ऑब्वियसली बात है. बैक्टीरिया खाते जाएंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑक्सीजन को यूज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. जब मुझे ये पता चल जाए कि अब मेरा ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम हो गई है, सारा ऑर्गेनिक मटेरियल मेरे बैक्टीरिया ने खा लिया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ लूँगी. यही चीज़ यहाँ पे दी है, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट. एफ्लुएंट क्या था, जो सुपरनेटेड ऊपर वाला पार्ट था. बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया. यही बात की हमने. अब जब सीवेज वाटर, तब तक ट्रीट करती रहूंगी मैं जब तक मेरा बीओडी कम नहीं हो जाता. जब मैं फिर मैं बीओडी टेस्ट करके देखूंगी कि अब कितनी बीओडी इसको चाहिए. उसके बाद जब मैं बीओडी टेस्ट से मेजर कर लूंगी कि रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली बीओडी. देखो, यही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि बीओडी जो है वो मेजर है किसका, कि कितना ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर है. जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, यहाँ पे यही दिया है कि जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा. अब उसके बाद मेरा बीओडी मान लो कम हो गया, बीओडी जब मेरा मान लो कम हो गया, तो मैंने क्या करूँगी मैं. देखो, अब दो चीज़ें हैं मेरे पास, हम ध्यान से समझना. एक तो मेरे ये फ्लॉक्स हैं और एक ये मेरा ऊपर वाला बचा हुआ पानी है. दो चीज़ें हैं मेरे पास, तो अब इन दो चीज़ों को ना बहुत ध्यान से हमें समझना है,
ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इनको मैं जब मेरा ऐसे हो गया, इसके बाद मैंने देखो यहाँ क्या किया, इसके बाद मैंने क्या किया देखो, एफ्लुएंट इज देन पास टू द सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। एक तरह से मैंने ये वाला जो स्टेप हो गया मेरा यहाँ पे, बीओडी कम हो गया, मैंने इसको दोबारा से एक सेटलिंग टैंक में डाला जहाँ पे मेरे जो फ्लॉक्स थे ये नीचे सेटल कर गए और ऊपर क्या बच गया, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट ही बोल सकते हो इसको, ठीक है, नीचे मेरे फ्लॉक्स सेटल कर गए। अब मैं ना इन दो चीज़ों का अलग अलग यूज़ करूँगी, ये बात ध्यान देना, इसका मैं अलग यूज़ करूँगी, इन फ्लॉक्स का अलग यूज़ करूँगी। ये जो फ्लॉक्स हैं और ये जो सेटल्ड चीज़ है इसको मैं क्या बोलूँगी, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, क्या बोलूँगी, एक्टिवेटेड स्लज। ये ध्यान रखना कि प्राइमरी स्लज क्या था और एक्टिवेटेड स्लज क्या था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि हम दूध के अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं रात को और फिर वो अगले दिन मल्टीप्लाई कर जाता है, सिमिलरली मैं क्या करूँगी, ये एक्टिवेटेड स्लज थोड़ा सा लूँगी और इसको इस वाले टैंक के अंदर डाल दूँगी। मतलब ये प्रोसेस तो कंटिन्यू कर रही है, तो यही एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट मैं इसके अंदर डालती हूँ ताकि मेरा मल्टीप्लाई करते जाएँ फ्लॉक्स विद बैक्टीरिया, ताकि मेरे मल्टीप्लाई करते जाएं फ्लॉक्स विद बैक्टीरिया, ठीक है। हालांकि इसमें खुद से भी होंगे, खुद से भी बैक्टीरिया हैं, बट कुछ एक्टिवेटेड स्लज का पार्ट मैं यहाँ से इसके अंदर भी डालती हूँ, यहाँ से मैं इसके अंदर भी डालती हूँ। समझ में आई बात, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब ऊपर वाला पानी कहाँ गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि जो सेडिमेंटेड पार्ट है जिसके अंदर बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे, फंगस विद बैक्टीरिया था, वो सेटल कर गया, उसको मैं क्या बोलूँगी, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक टू द एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोक्युलम। इनोक्युलम क्या था, वो जो थोड़ी सी खट्टा था जो हम डाल रहे थे दूध में, वैसे ही इसके अंदर भी इनोक्युलम की तरह एक्टिवेटेड स्लज में ऊपर डाल दूंगी। रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। हेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। अब समझने वाली बात यह है कि मैं क्या करूँगी, मान लो मेरे पास ये पूरा टैंक था, इसके अंदर मेरा इतना पार्ट क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है, और इतना पार्ट क्या है मेरा, ऊपर बचा हुआ पानी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस वाले जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको एक और टैंक में डालती हूँ और इस टैंक के अंदर मैं एनारोबिक बैक्टीरिया और फंगस और अलग अलग माइक्रोब्स इसके अंदर ग्रो करवा दूंगी। क्या करवाऊंगी, अलग अलग माइक्रोब्स फंगस इस स्लज के अंदर एनारोबिकली ग्रो करवाऊंगी, एनारोबिकली ग्रो करवाऊंगी। और इस डाइजेशन की वजह से ना ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि तीन गैसेस जिनके नाम तुम्हें रटे होने चाहिए, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और इनको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस, ठीक है। तो ये है, दिस इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम ये बायोगैस को यूज़ करते हैं, इन्फ्लेमेबल है, तो इसको हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में। तो अभी देखो, अभी हमने इसकी बात नहीं की है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसकी बात मैंने अभी नहीं की है, मैंने सिर्फ एक्टिवेटेड स्लज की बात किया। एक्टिवेटेड स्लज को मैंने एक और टैंक में डाला जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया फंगस वगैरह डाल दिया उसके अंदर, एनारोबिकली ग्रो करता है, और उसके अंदर मुझे तीन गैसेस मिली, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। और क्योंकि बायोगैस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उसको खाना बनाने के लिए और अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं। पर अब सवाल आते हैं कि इस एफ्लुएंट का क्या हुआ भाई, इस एफ्लुएंट का क्या हुआ। तो अब ये एफ्लुएंट मेरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और इसको मैं पानी रिवर्स वगैरह में बहा देती हूँ, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में इनको बहा देती हूँ, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक मैंने पढ़ लिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है, थोड़ा ये तो मैंने पढ़ लिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ऐसा तो है नहीं मैं ये सीधा पानी नदी से आता है मेरे घर में और मैं पी लेती हूँ। हम क्या यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आरओ यूज़ करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे मैं ये पानी को फिल्टर कर पाऊँ। तो अगर आप ध्यान रखना चाहते हो तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि इसको हम, अच्छा मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको हम टर्शरी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं, जब मैं इस पानी को फिल्टर करूँ फर्दर आरओ वगैरह से, तो उसको टर्शरी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, जो हम अपने घर में कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। मैं अच्छे से रिवाइज करा देती हूँ एक बार, ध्यान रखने वाली चीज़ें दो चार हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। देखो पहला हमने क्या किया, बड़े बड़े टैंक्स में डाला, उसके अंदर से जो ऊपर तैर रही थी चीज़ें वो निकाल ली, जो नीचे बैठी हुई थी उसने क्या बना दिया, प्राइमरी स्लज बना दिया, उसने क्या बना दिया मेरा, प्राइमरी स्लज। अब जो बचा हुआ पानी था उसको मैंने एक टैंक में डाला, टैंक में डालने के बाद उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ फ्लॉक्स ग्रो कर रहे थे। फ्लॉक्स का क्या मतलब है, फंगस प्लस बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, और वो बैक्टीरिया ग्रो करते करते मेरे ऑर्गेनिक मटेरियल जो मेरे पानी के अंदर था उसको यूज़ करते जा रहे थे। यूज़ करते करते एक टाइम ऐसा आया जब वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को खा गए, बैक्टीरिया मेरे सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को खा गए, तो मेरा ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे कम हो गया। जब मेरे को ये पता चली बात कि चलो मेरे बैक्टीरिया ने सारा खा लिया है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक सेटलिंग टैंक में डाला। टैंक में डालते, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ पे सेटल नहीं हो रहे हैं बैक्टीरिया और
फंगस, यहाँ पे तो एजिटेट कर रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ बार बार, ताकि ये पूरे पानी में मेरे फैलते जाएँ, बैक्टीरिया फैलते जाएँ, मैं मिक्स कर रही हूँ इसीलिए। उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ तक मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद मैंने ये वाला जो पूरा मिक्सचर था इसको मैंने एक सेटलिंग टैंक में डाला, जहाँ पे मैंने उसको एजिटेट नहीं किया, मिक्स नहीं किया, तो मेरे यहाँ पे फ्लॉक सारे सेटल कर गए। ये जो फ्लॉक सेटल करे इनको मैं क्या बोलती हूँ, एक्टिवेटेड स्लज। और ये एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट लेके मैं यहाँ पे हमेशा डालती हूँ, ताकि मेरे बैक्टीरिया फटाफट ग्रो कर जाए, ठीक है। तो एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा हिस्सा क्या बोलते हैं हम उसको, इनोक्युलम, क्या बोलते हैं, इनोक्युलम। अब बात आती है कि भाई इसका क्या हुआ, फिर एक्टिवेटेड स्लज को मैंने फिर क्या किया, एक्टिवेटेड स्लज को मैंने एक और टैंक में डाला, जिसके अंदर उस पर एनारोबिक बैक्टीरिया फंगस वगैरह ग्रो कर गए, और उन्होंने कुछ गैसेस का प्रोडक्शन किया, जैसे कि CO2, जैसे कि H2S, जैसे कि मीथेन, ठीक है, जैसे कि मीथेन। तो 3-4 गैसेस का यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन कर लिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस, जो कि काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी आजकल यूज़ की जाती है। अब क्या बात, तुम सोचोगे भाई पानी तो मुझे अभी तक नहीं मिला साफ, मेरा साफ पानी कहाँ है, तो वो साफ पानी ये है, और इसको हम क्या करते हैं, सीधा रिवर्स वगैरह में बहा देते हैं, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर मेरा रिवर्स से पानी आ रहा है, मेरे घर में सप्लाई जो पानी हो रहा है वो कोई प्योरीफाइड है, इतना ही प्योरीफाइड है, लेकिन तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने घर में RO लगा लिया। तो ये जो मैं कर रही हूँ RO के थ्रू, दिस इज़ योर टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स कर दिया क्या बताओ भाई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाया है सब कुछ, कन्फ्यूजन जहाँ पे होगा तुम्हें वही यही होगा, एक्टिवेटेड स्लज का क्या होता है, प्राइमरी स्लज क्या है, तो मैंने वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस करी, आप एक बार दोबारा देख लोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अब देखो, इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि माइक्रोब्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, वो मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर को भी सही कर रहे हैं, पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो बड़ी तारीफ़ें यहाँ पे कर रखी हैं उसने, यहाँ पे उसने तारीफ़ें कर रखी हैं अपने माइक्रोब्स की, और कुछ नहीं। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर्स, लीडिंग टू द पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन द वाटर बॉर्न डिजीज। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, सीवेज इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम नहीं उसको साफ़ कर पा रहे, तो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ वगैरह क्या करती हैं, सीधा सीधा पानी में फेंकती जाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमारी भाई कंट्री ने क्या सोचा कि हम ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने क्या सोचा कि हम कुछ प्लान्स स्टार्ट करते हैं, तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान उन्होंने सोचा, इनिशिएट किया, ताकि हम नदियों को साफ़ कर पाए। तो ये तुम्हें दो नाम याद होने चाहिए, बड़े इजी से नाम है, इन पे बहुत पैसा भी खर्च किया गया है, और इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अन लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। देखो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और सीवेज ऐसी पानी में ना बहाएं, इसलिए हम चाहते हैं कि STPs जो हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वो जगह जगह खुले, तो हम यही चाहते हैं गंगा और यमुना एक्शन प्लान के थ्रू। अब बात आती है, यहाँ तक काम खत्म हो गया मेरा, ठीक है। अब बात आती है भाई बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना बायोगैस, यहाँ पे भी तो बायोगैस बन रही थी, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो बायोगैस है क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है, और प्रीडोमिनेंटली क्या होती है, मीथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मीथेन में पूछूँ H2SCO2 में, तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में होती है दैट इज़ मीथेन, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल, बैक्टीरिया की वजह से ये बनती है, हमने जैसे अभी देखा। और ये हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, किसकी तरह यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि माइक्रोब्स जो हैं जब अपना काम करते हैं, जब खाते हैं कोई चीज़, तो क्या करते हैं, गैसेस रिलीज करते हैं, और हमने उन गैसेस को भी यूज़ कर लिया, बस यही चीज़ है। तो जो गैस है कैसी बनेगी, वो डिपेंड करेगा किस पे, माइक्रोब कैसा है और सबस्ट्रेट कैसा है, ये आपको लॉजिकल चीज़ है, रटना नहीं है कुछ भी। अगर मेरी कोई भी गैस बन रही है, CO2 बन रही है या फिर H2S बन रही है, तो किस पे डिपेंड करेगा कि मेरा माइक्रोब क्या कर रहा है और मेरा माइक्रोब किस पे काम कर रहा है, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी। और इसी से हमें पता चला कि डो, चीज़, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, मेन गैस प्रोड्यूस वॉज CO2। तो हमने हर जगह देखा है, हमने चीज़ में देखा, हमने बेकरी में देखा, हर जगह देखा कि CO2 तो बनी रहा है ना, CO2 तो बनी रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किस पे काम करते हैं, सेल्युलोजिक मटीरियल, किस पे काम करते हैं, सेल्युलोजिक मटीरियल पे, एनारोबिकली, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, एनारोबिकली सेल्युलोजिक मटीरियल पे काम करते हैं, ठीक है, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन और CO2 बनाते हैं, एंड H2 लिखा है, हाँ H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन लॉन्ग विद CO2 एंड हाइड्रोजन, दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस, क्या बोलते हैं इनको, मिथेनोजेंस, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो मिथेनोजेंस हैं, उनका एक एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम, उनका क्या एग्जाम्पल है भाई, मिथेनोबैक्टीरियम,
ठीक है, तो मिथेनोजेंस का मुझे एग्जाम्पल मिल गया, मिथेनो बैक्टीरिया में किस पे ग्रो करते हैं, सेल्यूलोजिक मटीरियल पे, एनरोबिकली ग्रो करते हैं। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ये हमने पढ़ा एनरोबिक स्लज में हम क्या करते थे, एनरोबिक बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करवा देते थे, जिससे मुझे क्या मिलती थी, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस मिलती है। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन पार्ट ऑफ द कैटल। तो कैटल जो खाती है, क्या खाती है, घास फूस खाती है, उसके अंदर क्या है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज खा रही है, तो पेट में भी, र्यूमन में भी मुझे बैक्टीरिया ये वाला देखने को मिलता है। अ लॉट ऑफ सेल्यूलोजिंग मटीरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन। यही बात है, इन र्यूमन दीज बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज को तोड़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। देखो सेल्यूलोज टूटेगा, सेल्यूलोज टूटेगा तो क्या होगा, मेरा ये बनेगी, गैसेस बनेंगी, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया मिथेनोजेंस, ये कैटल के पेट में भी ग्रो करते हैं और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो एक्सक्रीटा होगा कैटल का, जब खाएगा तो निकालेगा जो, तो उसको भी हम गोबर जिसको बोलते हैं, और गोबर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी, अलग अलग चीज़ों में ये रोल है। तो ये जो गोबर है, इससे हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये गोबर गैस का क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो देखो बायोगैस प्लांट क्या होता है, सबसे पहले तो 10 से 15 फीट डीप होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है, कंक्रीट टैंक ऑफ 10 से 15 फीट डीप। उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डंग यानी कि गोबर और पानी यहाँ पे डालते जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया होता है और ये क्या करता है, ग्रो करता जाता है और गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ना एक सिलेंडर रखा होगा, एक सिलेंडर रखा होता है जो ऐसे ही फ्रीली रखा होता है बस, तो जैसे ही गैस प्रोड्यूस होती है, यहाँ से गैस निकलती है और वो गैस हम यूज़ कर लेते हैं, लाइन चली जाती है और हम वो गैस यूज़ कर लेते हैं। यही चीज़ है। और जो बचा कुचा यहाँ पे मटेरियल होता है, जो बचा कुचा स्लरी होता है, वो यहाँ पे आ जाता है, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर लेते हैं हम, खेती वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। तो मोस्टली गांव वगैरह में क्या होता है, यहाँ पे हमने गायें होती हैं, मोस्टली गांव में आप देखोगे कि गायें लोग रखते हैं, तो उनका जो डंग और पानी है वो इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ से आपको गैस भी मिल जाती है, जिससे आप खाना बना सकते हो, उसके बाद यहाँ से आपको फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है। तो बायोगैस प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्लांट है, जिससे हमें बड़े सारे फायदे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्लरी ऑफ डंग इज़ फेड, स्लरी डाल देते हैं, डंग और पानी डाल देते हैं, फ्लोटिंग कवर होता है एक स्लरी के ऊपर, वो जैसे जैसे यहाँ पे गैस बनती है वो ऊपर ऊपर आता जाता है, ऊपर ऊपर आता है और क्या करता है, हमें गैस दे देता है, वही गैस फ्यूल दे देता है मतलब एक तरह से, और बायोगैस का एक आउटलेट है जिससे हमें वो गैस मिल जाती है, जो पाइप को सप्लाई करता है बड़े सारे घरों को जाके, ठीक है। तो घर में गैस जो आती है वो हमारी यहाँ से आ जाती है, ठीक है। जो बची हुई स्लरी है, जो आप किसी काम की नहीं रही, उसको हम निकाल के फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें डंग तो बहुत अमाउंट में मिल ही रहा है ना, गोबर का हम क्या करेंगे, इतना मिल रहा है हमें, तो हम उसको इसी तरह से यूज़ करते हैं बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, अलग अलग चीज़ों के लिए हम यूज़ कर लेते हैं बायोगैस को। तो द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट, अब ये तो तुम्हें पता चल गया, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया बाई इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि बताओ KVIC क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC एंड AIRE, ठीक है, ये तुमसे पूछ सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है, ये डायग्राम भी आ सकता है कि बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पे डंग और पानी डाल रहे हैं, डाइजेस्टर है, और यहाँ पे क्या है, गैस होल्डर, और ये स्लज है, ठीक है। बायोगैस इज नॉट प्योर मीथेन, प्रीडोमिनेंटली इट इज मीथेन बट इट इज नॉट प्योर मीथेन, ओके। चलो माइक्रोव्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो अभी तक हमने कुछ कुछ चीज़ों की बात की, खाने में बात की, बायोगैस में बात की, सीवेज में बात की, अब हम बात करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे दीदी आप तो कह रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये चैप्टर देखो बड़ा स्कोरिंग है और ईजी भी है, ऐसे कोई टेक्निकल चीज़ तो नहीं है ना कि कुछ न्यूक्लियर साइंस है, कुछ तुम्हें रॉकेट साइंस पढ़नी है, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है, बड़ा सिंपल है, पर नंबर तुम्हें चार नंबर दिलवाएगा। तो बायो कंट्रोल रेफर्स टू यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट्स। देखो होता क्या है, जब फार्मर्स हैं वो अपने प्लांट को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, जो हार्मफुल होंगे हमारे लिए भी और उनको भी बहुत महंगा पड़ेगा। तो एक नई उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई, उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि ना हम मतलब पेस्टिसाइड और मेरे को इंसेक्टिसाइड वगैरह भी यूज़ ना करने पड़े, केमिकल भी यूज़ ना करने पड़े, और मेरे जो पेस्ट हैं या जो मेरे इंसेक्ट हैं जो मेरे क्रॉप को खा लेते हैं उनको भी मैं मार पाऊँ। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा, मान लो मेरे पास एक प्लांट है, मेरी खेती है यहाँ पे और मेरे पास यहाँ पे क्रॉप्स हैं, तो मेरा एक छोटा सा इंसेक्ट है ये आके ना इनको ख़राब कर देता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एक तरीका यह है, मैंने केमिकल डाल दिया क्रॉप में कि केमिकल डाल दिया ताकि ये मेरा मर जाए इंसेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, मैंने एक और इंसेक्ट यहाँ पे एक और इंसेक्ट डाल दिया जो इसको खा लेता है। तो अगर मैं ऐसा एक इंसेक्ट डाल दूं जो इसको खा लेता है तो भी तो मेरा क्रॉप बच गया ना।
तो हमने कुछ ऐसा सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि हम बायोडाइवर्सिटी को ही यूज़ करें और बायोलॉजिकली चीज़ों को कंट्रोल करें इन अ लिमिटेड मैनर. ऐसा नहीं कि मैंने इतने डाल दिया ये कि भाई मतलब मेरा कुछ इम्बैलेंस हो गया, ऐसा नहीं. कुछ एक लिमिटेड सेट में अगर मैं ऐसे ही बायोलॉजिकली कंट्रोल करूँ चीज़ों को तो मुझे केमिकल्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज क्या है, एग्रीकल्चर में बात की जाती है कि हम पेस्ट को कंट्रोल करें जो रिलाई करें ऑन नेचुरल प्रेडेशन रादर दैन इंट्रोड्यूसिंग केमिकल्स. नेचुरल प्रेडेशन पे पढ़ूँ कि कैसे, मतलब किस इंसेक्ट को मारने के लिए मुझे क्या चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए उसके लिए. तो एक ऑर्गेनिक फार्मर जो ऑर्गेनिकली चीज़ों को ग्रो करता है वो कहता है दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ. द मोर द वैरायटी ऑफ लैंडस्केप इट हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़. मतलब अगर बायोडाइवर्सिटी मेरे क्रॉप में, मैं जहाँ खेती कर रही हूँ वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वो सस्टेनेबल भी है, मुझे ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा. अगर मेरी बायोडाइवर्सिटी मेरे क्रॉप फील्ड में मेंटेन्ड है तो ना तो मुझे खर्चा करना पड़ रहा और वो एक सस्टेनेबल फार्मिंग होगी मेरे लिए और मैं केमिकल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ. तो क्या उसने बोला, एक ऑर्गेनिक फार्मर ने क्या सोचा कि हम ऐसा ना करें कि हम इंसेक्ट्स को, पेस्ट जिनको हम पेस्ट बोलते हैं उनको मार दें, उसकी बजाय हम उनको मैनेजेबल लेवल्स पर रखें, इतने लेवल पे कि वो मेरे क्रॉप को ज़्यादा हार्म ना कर पाए और इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. यानी कि अगर मेरा एक इंसेक्ट दूसरे मेरे क्रॉप खाता है तो मैं उसको खाने वाला कोई इंट्रोड्यूस कर दूँ. समझ में आई बात. तो कॉन्ट्ररी टू द कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस कि केमिकल दे दो, इंसेक्टिसाइड दे दो, पेस्टिसाइड दे दो, उसको मार दो, उसकी बजाय हमने ये होलिस्टिक अप्रोच की जिसके अंदर हम फ्लोरा और फौना को भी बचा रहे हैं और बहुत सारी केमिकल्स को भी हम रोक रहे हैं, उनको नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने क्रॉप्स में. तो यही चीज़ यहाँ पे दिया, ज्ञान बांटा हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे. देखो तो ये तीन चार लाइनें हैं, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं इनमें पर आने को आ जाती हैं कभी कभी. तो उनने बोला, ऑर्गेनिक फार्मर ने होल्ड्स द व्यू दैट इरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल. वो कह रहा है कि भाई पेस्ट जो है उनको मारना सही, पॉसिबल की बात तो छोड़ दो, सही भी नहीं है, करना ही नहीं चाहिए. फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट्स विच डिपेंड अपॉन देम फॉर फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. वो तो फूड चेन खराब करने वाली बात है कि अगर मैंने इंसेक्ट को सारे ही मार दिया तो उसके ऊपर वाली जो चीज़ है, उसके ऊपर वाला जो लेवल है, उसको भी इफेक्ट करेगा. तो हमें होलिस्टिक अप्रोच लेनी है और हमें उसके साथ ही काम करना है. लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा जो फार्मर है उस चीज़, उसको इस बात की नॉलेज भी तो हो, मेरे फार्मर को ये भी तो पता हो कि इस इंसेक्ट को मारने वाला ये है, अगर मैं इसको मार दूंगा सबको तो क्या होगा, अगर मैं ये वाला इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो क्या होगा. तो वो फार्मर को ये सब चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि क्या पेस्ट हैं, क्या उनकी लाइफ साइकिल है, कैसे वो खाना खाते हैं, ये सब पता होना चाहिए. तो द वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स लेडी बर्ड, लेडी बर्ड के बारे में सब जानते होंगे, सबने देखी भी होगी. और ड्रैगन फ्लाइज, और ड्रैगन फ्लाइज किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, एफिड्स और मॉस्किटोज के लिए. तो रिस्पेक्टिवली लिखने का क्या मतलब है, रिस्पेक्टिवली लिखने का क्या मतलब है कि लेडी बर्ड को यूज़ करते हैं एफिड्स से छुटकारा पाने के लिए और मस्किटोस से छुटकारा पाने के लिए ड्रैगन फ्लाइज करते हैं. समझ में आई बात. मान लो मेरे खेती क्रॉप में खेती कर रही हूँ और उसके अंदर बहुत सारे मच्छर हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने ड्रैगन फ्लाइज इंट्रोड्यूस कर दी. रादर दैन मैं क्रॉप के ऊपर ऐसा कुछ केमिकल डालूँ जिससे मेरे मॉस्किटो मर जाएँ, मैंने ड्रैगन फ्लाई डाल दी. समझ में आई बात. तो बायोलॉजिकली हमने चीज़ों को यूज़ किया, लाइफ साइकिल्स को यूज़ किया और मैंने बायोलॉजिकली कंट्रोल की चीज़ें और मैंने किसी को मारा भी नहीं ऐसे, ठीक है. मैंने चेक्स एंड लेवल्स के हिसाब से चेक्स पे उसको रख दिया, ड्रैगन फ्लाइज को इंट्रोड्यूस कर दिया. अब माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स का और कुछ चीज़ें हैं, जैसे बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, बीटी, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी. तो ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, बैक्टीरिया किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि बैक्टीरिया मुझे कैसे मिलता है. ड्राइड सैशेज में मिलता है, सैशेज मिलते हैं जिसमें इसके स्पोर्स होते हैं, उनको मैं पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे कर देती हूँ. तो है तो ये बैक्टीरिया ही ना, है तो ये लिविंग चीज़ ही ना, मैं कोई केमिकल तो नहीं डाल रही हूँ ना उसके अंदर. और वो क्या करता है, ऐसे प्लांट्स के अंदर जैसे कि ब्रासिकाज या फ्रूट ट्रीज, उन पर मैं डाल देती हूँ जिससे जब इनको इंसेक्ट खाए तो इंसेक्ट मर जाए. और ये हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था कि गट में, इंसेक्ट के गट में जाके करता है, छेद कर देता है और स्वेलिंग कर देता है और मार देता है, ठीक है, मार देता है. सो द ईटन बाय द इंसेक्ट इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वे गेट किल्ड, एंड द लार्वे गेट किल्ड. यहाँ पे थोड़ी सी अलग खैर बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बटरफ्लाई कैटरपिलर्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई. तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस इसलिए भी काम आता है कि हम क्या करते हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं हर जगह पे, और जब बटरफ्लाई की कैटरपिलर जो खाते हैं मेरे प्लांट्स को, उनके लार्वे मर जाते हैं, उनके गट में ये रिलीज होता है. ये मेरे से छोटी सी यहाँ पे गलती हो गई, तो ये कन्फ्यूजन मत रखना. द बैक्टीरियल डिजीज विच किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड. तो देखो इससे मेरा कोई
ऐसा जानवर तो नहीं मरा ना, ऐसा इंसेक्ट तो नहीं मरा ना जो मेरे को कोई मेरे क्रॉप को परेशान ही नहीं कर रहा था, सिर्फ वो वाले कैटरपिलर्स मरे जो मेरे क्रॉप्स को या मेरे प्लांट्स को खा जाते थे। तो मैंने इससे एक होलिस्टिक अप्रोच रखी, मैंने बैक्टीरिया लिविंग चीज़ को ही यूज़ किया और मैंने कोई केमिकल भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने फिर बैसिलस थुरिंजेनेसिस का टॉक्सिन या जो जीन है उसी को प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया था, जैसे कि बीटी कॉटन में, तो वो किसको रेजिस्ट करता है, इंसेक्ट पेस्ट्स को। यहाँ पे ध्यान रखना, हम यहाँ पे बटरफ्लाई कैटरपिलर की बात कर रहे हैं, और वैसे जब बीटी पढ़ा था वो इंसेक्ट के लिए था, ठीक है, वो इंसेक्ट के लिए था। चलो अब इसके बाद बात करते हैं, एक और बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ठीक है। एक फंगस होती है ट्राइकोडर्मा, पहले तो पता होना चाहिए क्या है ये फंगस है। ट्राइकोडर्मा कैसा है उसके बारे में ये पैराग्राफ इज ऑल्सो एक अदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, ये पता होना चाहिए। ट्राइकोडर्मा क्या है, फ्री लिविंग होते हैं और रूट के अंदर बहुत पाया जाता है, रूट इकोसिस्टम में देखा जाता है, ठीक है। तो दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन्स, ये क्या है, एक फंगस है। तो बैक्यूलो वायरस क्या है, पैथोजन है। बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन्स दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। बैक्यूलो वायरसेस क्या हैं, ये भी पैथोजन है जो इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स को मार देते हैं। तो अगर मेरे कोई क्रॉप पे इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड आके अटैक कर रहा होगा तो मैं वहाँ बैक्यूलो वायरसेस यूज़ कर सकती हूँ। और बैक्यूलो वायरसेस में से भी उसका जो जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ये यूज़ करती हूँ। क्या यूज़ करती हूँ, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ठीक है जी, ठीक है। द वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस। स्पीशीज स्पेसिफिक यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज को मारता है, नैरो स्पेक्ट्रम है, किसी फालतू बंदे को नहीं मारेगा, और इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, इंसेक्ट को भी मार देगा मेरे। और ये क्या करते हैं, दे हैव टू बी शोन अ नेगेटिव इम्पैक्ट, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट। देखो अब क्या है, बैक्यूलो वायरसेस की सबसे जो खास बात है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस उनका एक जीनस है, उसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वो एक तो स्पीशीज स्पेसिफिक है, एक किसी स्पीशीज को मार रहा है जो मेरे क्रॉप को डैमेज कर रहा है, और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे मैं भी वो क्रॉप फर्दर जाके खाने वाली हूँ, है ना, तो ना तो मुझे कोई डैमेज कर रहा है, कोई बर्ड आ रही है उसको भी डैमेज नहीं कर रहा है, कोई फिश आ रही है उसको भी डैमेज नहीं कर रहा, प्लांट है कोई किसी चीज़ को और डैमेज नहीं करता, सिर्फ उसको डैमेज करता है जो उसको खाता है। तो ये कितनी अच्छी बात है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस की। तो लेकिन इसके लिए मुझे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे फार्मर को ये सब चीज़ें पता भी हो, है ना, तभी तो वो यूज़ कर पाएगा ना, नहीं तो वो तो केमिकल ही डालता रहेगा और हम केमिकल वाला खाना खाते रहेंगे। तो इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व। तो अगर मान लो कोई ऐसा होता, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रस तो चलो अच्छा है, कोई एक ऐसा होता बंदा, कोई एक ऐसा वायरस होता जो मेरे उसको तो मारता ही मारता, उसके साथ साथ क्रॉप को भी मार देता, आसपास वाले प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देता, तो ऐसे वायरस से तो मुझे नुकसान ही था ना, ठीक है, और दो चार इंसेक्ट को भी मार देता वो इंसेक्ट के साथ साथ, तो उससे मेरा सिर्फ वो इंसेक्ट जो मेरे क्रॉप को डैमेज कर रहा है उसके साथ साथ बाकी इंसेक्ट भी मर जाते हैं ना, तो ये तो नुकसान हो जाता ना, फालतू में हमें उन इंसेक्ट्स को क्यों मारना जो हमें कुछ कह ही नहीं रहे। तो इसीलिए अगर मैं कंजर्वेशन की बात करूं, जब मैं बात करती हूं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की, जहां पे मैं इंसेक्ट्स को कंजर्व भी कर रही हूं, ऐसे नहीं कि सबको मार रही हूं, तो वहां पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मान लो मैं देख रही हूँ कि इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, तो अगर कोई भी एक, मतलब हम बोलते हैं ना किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम होगी तो पूरी फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो मान लो कोई ऐसा एरिया जहाँ पे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, तो उस एरिया में भी फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं चाहूँगी कि मैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जैसी चीज़ ही यूज़ करूँ क्रॉप में, जिससे मेरे इंसेक्ट्स को मैं बचा पाऊँ, कंजर्व कर पाऊँ। और किसके अंडर में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको IPM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IPM, ठीक है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है क्लास में, अच्छे समझ आया, बस थोड़ा सा और बचा है फिर ख़त्म करते हैं, एक पैराग्राफ और। अब माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइज़र की तरह कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको ऑलरेडी सबको पता होगा। तो कैसे करते हैं भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब मुझे इम्प्रूव करनी है क्वालिटी अपने क्रॉप की, अपनी मतलब फर्टिलाइज़र मुझे डालना है, तो इंस्टेड ऑफ मैं किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँ, मैं बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। मैं ऐसे बैक्टीरिया डाल दूँगी, मैं ऐसे फंगस डाल दूँगी, मैं ऐसे माइक्रोब्स डाल दूँगी जो मेरे फर्टिलाइज़र की तरह काम करें। तो बस उसी का मतलब है, हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। तीन चीज़ों का नाम दिया, ये आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होंगी। जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखते हैं राइजोबियम का, ये क्या है, एक बायो फर्टिलाइज़र है, सही बात है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया हमें पता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है,
ठीक है, और कुछ भी बैक्टीरिया हैं जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, फ्री लिविंग है सॉइल में, यहाँ पे तो सिम्बायसिस देखने को मिलता है, फ्री लिविंग है, उनका नाम है एजोस्पाइरिलियम एजोटोबैक्टर। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल के बढ़ा देते हैं, तो ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद फंगस का आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा माइकोराइजा, है ना, कुछ एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा, तो वो बहुत सारे जीनस ग्लोमस के माइकोराइजा बनाते हैं, ठीक है। और फंगल सिम्बायंट इसमें क्या करता है, ये सब चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको नया नहीं पढ़ने को है। फंगल सिम्बायंट क्या करता है, उसके अंदर जब माइकोराइजा बनता है तो वो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और प्लांट को दे देता है, ठीक है। तो प्लांट की हेल्प करता है और प्लांट भी उसकी हेल्प करता है फिर आगे से, ठीक है। और साथ ही साथ प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन और भी उन्हें बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फॉस्फोरस नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा प्लांट अच्छे से तो वो फंगस उसको करके दे रहा है, और भी उसको फायदे होते हैं, जैसे कि रूट बॉर्न पैथोजन से बचा देता है, टॉलरेंस टू सैलिनिटी और ड्रॉट बढ़ा देता है, और ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मुझे यही तो चाहिए था, फर्टिलाइजर का मतलब यही तो है, मेरी ग्रोथ को बढ़ा दे, क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ा दे, कोई प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा दे, तो वो मेरा यहाँ पे फंगस कर रहा है। फिर मैंने एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया, राइजोबियम का दिया आपको, फ्री लिविंग बैक्टीरिया का दिया, साथ ही साइनोबैक्टीरिया भी है। साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है, मेरा नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आता है, तो साइनोबैक्टीरिया यूज़ करते हैं हम उसके लिए, एनाबिना नॉस्टक ऑसिलेटोरिया यूज़ करते हैं। पैडी फील्ड्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हुए कभी कभी स्टेटमेंट में भी दे देते हैं। पैडी फील्ड चावल के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर के लिए। ब्लू ग्रीन एल्गी भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड करती है, उसको भी यूज़ करते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से आजकल हमारे देश में इसमें यही लिखा है कि कमर्शियली बायो फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं, और फार्मर्स क्या करते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज़ करने के बजाय इन्हीं को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, इससे फर्टिलिटी भी बढ़ रही है और इससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, केमिकल भी नहीं डालने पड़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सलोनी, ऐसी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। सैटरडे संडे को मैं एक दो चीज़ें बता देती हूँ, सैटरडे संडे को आप लोगों का मैं टेस्ट भी रखती हूँ, और वो अनअकैडमी स्पेशल क्लास में होता है, ठीक है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपका फुल सिलेबस टेस्ट रखूँगी बायो का इस बार भी, और साथ में अगर आप लोग कहोगे तो मैंने दो तीन चैप्टर जो इन शॉर्ट आपको वन शॉट पढ़ा दिए वो सारे के सारे मैं आपके उनका भी टेस्ट ले लूँगी, ठीक है। तो उससे आपके सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, समझ में आई बात। और इसके साथ साथ कल आप लोगों का कॉकरोच वन शॉट होगा, कहाँ होगा भाई, 10 बजे लाइव यहीं पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक भी करवा दो प्लीज़, मैं ट्राई करूँगी कि मैं बिल्कुल करवाऊँ, एक्चुअली मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, मैं ये भी आपके लिए काफ़ी अपने टाइम में से निकालती हूँ ये सब टाइम, कि मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ा पाऊँ, जो सिंप्लीफाई कर पाऊँ चीज़ें वो कर पाऊँ, तो मैं ट्राई करूँगी, बिल्कुल ट्राई करूँगी, पर मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। मैं बायो आपको बिल्कुल पढ़ाती रहूँगी ऐसे ही, और लाइव आपके हफ्ते में 3 कम से कम चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूँगी ऐसे, ठीक है, कम से कम 3 तो करा ही दूँगी। और सैटरडे संडे में आपका अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, और अगर आप नए हो पहली बार कर रहे हो तो आपको वहाँ पे ना एनरोल करना पड़ेगा, एनरोल करने के बाद आप मेरा कोड इशिता डाल सकते हो, ठीक है, फ्री कोड है, कुछ नहीं है, मेरी सारी क्लासेस होती हैं फ्री लाइव क्लासेस, कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री क्लासेस में आपको मेरी सारी क्लासेस मिलेंगी। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे सर्च कर लेना इशिता खुराना, ठीक है, और फ्री लाइव क्लासेस में ही सर्च करना तो तुम्हें मिल जाऊंगी, इशिता खुराना सर्च करना, मुझे फॉलो कर लेना, कोई भी होगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसी भी क्लास का, ठीक है। ओके जी, कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, रिवाइज करना है पूरा चैप्टर, फटाफट 5-10 मिनट में करें रिवाइज, करना है तो बताओ। बताओ भाई, करना है तो बोलो। चलो करें फटाफट। अब देखना, तुम ना ये वाला कभी मत छोड़ा करो पार्ट, जब मैं पूरा चैप्टर एक बार समराइज कराऊँ कभी मत छोड़ना, कोई भी टीचर कराए, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना इसमें तुम्हें सब चीज़ें याद हो जाती हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, अगर तुम अभी सुनोगे तो, ये एक फैक्ट है, अगर तुम जैसे तुम्हें पढ़ाएंगे उसके बाद 10-15 मिनट में फटाफट से एक बार देख भी लोगे ना तुम्हें बहुत टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा माइक्रोब्स हर जगह हैं तो बकवास है, कुछ नहीं है इसमें। फिर हमने दही के बारे में पढ़ा, कर्ड के बारे में पढ़ा, वहाँ हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट करवाता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर लेता है, और लैब के क्या फीचर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 कंटेंट किस में बढ़ाता है, कर्ड में, और हमारे पेट में, ये ध्यान रखना कि विटामिन B12 कहाँ बढ़ा रहा है, कर्ड में। ये तुम्हें क्वेश्चन में पता क्या देंगे, तुम्हें देंगे कि इंक्रीजिंग विटामिन B12 कंटेंट इन आवर स्टमक, ये बोल देगा वो, विटामिन B12 कंटेंट कर्ड में और हमारे स्टमक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अदर बैक्टीरिया को चेक करने के लिए। फिर हमने बात की बेकिंग,
सॉफ्ट एंड पोरस कौन बनाता है? इथाइल अल्कोहल और सी ओ टू. अगर मैं बोलूँ पफ्ड अप अपीयरेंस क्यों आ जाती है? सी ओ टू की वजह से, ये पता होना चाहिए. फिर हमने बेकर जीस्ट का नाम पढ़ा, सैकेरोमाइसिस सर्विसरी. बेकर जीस्ट बोलते हैं इसको, सिर्फ बेकरी में यूज़ नहीं करते हैं, टॉडी या फिर कोई ड्रिंक बनाने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए भी हम बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं. फिर हमने बात किया स्विस चीज़ में बड़े बड़े छेद क्यों हैं, क्योंकि उसमें सी ओ टू निकलता है. कौन सा बैक्टीरियम यूज़ होता है? प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी. रॉकीफोर्ट चीज़ में एक फंगस ग्रो करता है, उसकी वजह से उसका फ्लेवर आता है. प्लीज़ इसका फंगस का नाम एक बार ढूंढ लेना, ये मैंने मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. फंगस का नाम ध्यान रख लेना कि कौन सा फंगस ग्रो करता है, ये कहीं से ढूंढ लेना, गूगल वूगल से पता चल जाएगा तुम्हें. रॉकी फोर्टी करके कुछ है, ठीक है. माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, लेकिन 13% तक बना सकते हैं फर्मेंटेशन से, तो उसके बाद हम डिस्टिलेशन कर लेते हैं. एंटीबायोटिक्स में क्या याद रखना है? पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? नोबल प्राइज़ किसको मिला? फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे. रटा होना चाहिए. उसके बाद ये तीन नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं. उसके बाद एसिड्स, एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड. एसिटोबैक्टर एसिटी क्या बनाता है? एसिटिक एसिड. क्लॉस्ट्रीडियम बटुलिकम क्या बनाता है? बट्यूरिक एसिड. और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है. फिर यीस्ट क्या करता है ये भी पता है. फिर उसके बाद हम डिटर्जेंट्स में क्या डालते हैं? लाइपेसेस, ऑयली स्टेन्स को हटाने के लिए. बॉटल फ्रूट जूसेस में क्या डालते हैं? पेक्टिनेसेस और प्रोटीएसेस, जो मेम्ब्रेन्स तोड़ देते हैं. स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन. रटा होनी चाहिए ये चीज़ें, बिल्कुल याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है. उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट में क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट में दो ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में ऊपर से फिल्ट्रेशन करवा दिया, सेडिमेंटेशन करवा दिया. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ध्यान रखना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहला एरोबिक टैंक है. एरोबिक टैंक में से उसको दूसरे टैंक में जब शिफ्ट करते हैं तो जो स्लज है, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज, फ्लॉक का बना हुआ. इससे क्या बनाते हैं? बायोगैस. और जो बचा हुआ पानी है इसको डाल देते हैं नदी में. ये ध्यान रखना, दो ट्रीटमेंट है, ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना. और बायोगैस बनाने के लिए कैसे बैक्टीरिया चाहिए? एनएरोबिक बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है जी. समझ में आया इतना सबको? फिर इसके बाद हमने बात की यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट है. फिर हमने बात की कि भाई बायोगैस कैसे बनाते हैं. मिथेनोजेंस होते हैं कुछ बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरियम जैसे होता है, वो क्या करता है? बायोगैस प्रोड्यूस करता है. कहाँ पे यूज़ किया जाता है? विलेजेस में देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास डंग अवेलेबल होता है, गोबर अवेलेबल होता है, गोबर गैस भी इसको बोलते हैं. फिर ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ से डंग और वाटर डाला, ठीक है. स्लरी जिसको बोलते हैं, अंदर गया. फ्लोटिंग मैंने एक ऐसे रखा हुआ था कैन, जब गैस प्रोड्यूस हुई ऊपर आया, गैस गई मेरी पाइपलाइन के थ्रू घरों में, और जो बचा कुचा था उसको मैंने फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ कर लिया. फिर बायो कंट्रोल एजेंट, अभी हमने पढ़ा है. बायो कंट्रोल एजेंट में मैं क्या करती हूँ? एक इंसेक्ट को मारने की बजाय उसको मारने वाला एक बंदा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. बायो कंट्रोल एजेंट क्या क्या किया? जैसे हमने लेडी बर्ड पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, एफिड्स और मॉस्किटोज के लिए पढ़ लिया. फिर बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को करने के लिए बैसिलस थुरिंजेनेसिस यूज़ किया. जैसे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैसिलस थुरिंजेनेसिस का इंसेक्ट पे रोल पढ़ा था, इंसेक्ट को कैसे मारते हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई कैटरपिलर्स में पढ़ा, और उसके अंदर वो लार्वे के पेट में जाकर टॉक्सिन रिलीज कर देता है. उसके बाद बात की एक फंगस की जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ट्राइकोडर्मा. फिर न्यूक्लियोपॉलीहेड्री वायरस का. फिर उसके बाद आईपीएम प्रोग्राम क्या है वो पढ़ा. बायो फर्टिलाइजर्स में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सब चीज़ें हमारी बहुत हेल्प करती हैं फर्टिलाइजर की तरह काम करने में, ठीक है. पेनिसिलम रॉकी फर्टी, हाँ ठीक है, समझ में आया सबको? आई होप मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो आज का सेशन. ऐसे ही आते रहना, मैं भी तुम्हें आती रहूँगी पढ़ाने के लिए, और मुश्किल मुश्किल चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दूँगी. कोई भी चैप्टर तुम्हें लग रहा है कमेंट्स में मुझे मेंशन कर देना कि हाँ ये वाला आप चैप्टर करवा दो, तो मैं वही पिक कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. जो आप बोलोगे मैं वैसा करवा दूँगी आपको. 10 बजे यहाँ पे इसी चैनल पे मेरी क्लास होती है लाइव, तो आप आके पढ़ सकते हो. और सैटरडे संडे मैं आपको मिलूँगी अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे फ्री लाइव क्लास होती है और मैं टेस्ट कंडक्ट करवाती हूँ, ठीक है. तो टेस्ट हम सारा वहीं करेंगे, ठीक है जी, स्पेशल क्लास में. ओके, समझ में आया सबको? चलो भाई, मिलते हैं फिर कल 10 बजे. बाय बाय, गुड नाइट. पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और सी यू टुमॉरो.